तो हे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आपका चैनल स्मार्ट पंकज एडिटर में स्वागत है। तो दोस्तों, इस फोटो को मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। दोस्तों, बहुत सारा भाई का मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि भाई प्लीज़ इसका वीडियो बना दो। तो दोस्तों, मैंने आप सभी भाई के लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इस टाइप का फोटो एडिटिंग किस तरह से कर पाइएगा, बहुत ही आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों बी4 वाला किस तरह का है, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए इस फोटो को और ये फोटो को देख लीजिए, कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप सभी को सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा भाई, एंड तक देखिएगा, नहीं तो आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे भाई, मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप आप कर दीजिएगा तो इस टाइप का कभी नहीं कर पाइएगा एडिटिंग। तो भाई लोग, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़, वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल में जो नए आए हो, चैनल को लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम एडिटिंग का ऐसे ही इससे भी खतरनाक सबका फोटो आगे चल के इस चैनल पर आता आएगा। दोस्तों इससे भी खतरनाक फोटो एडिटिंग आगे चल के आएगा वीडियो, तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इससे भी खतरनाक फोटो एडिटिंग आगे चल के आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहले वाला जो फोटो आपको एडिट करना है भाई लोग, तो भाई लोग उस फोटो को आपको यहाँ पर शेयर करके लेकर चला जाना है भाई लोग लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है दोस्तों। लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर करके लेकर चला जाना है, ठीक है दोस्तों। लाइटरूम एप्लीकेशन में लेकर चला जाना है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फोटो को लेकर आ जाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जिस ऐप से मैं इस फोटो को एडिट करूँगा, सारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, सारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों मैंने एक आपको प्रीसेट दिया है, ठीक है दोस्तों। प्रीसेट दिया है आपको सबसे आसान तरीका से, ठीक है दोस्तों, आपको मुश्किल ना हो एडिट करने में, ठीक है दोस्तों। आपको लाइटरूम एप्लीकेशन यूज करने के लिए नहीं आता तो दोस्तों भाई लोग आप कमेंट कीजिए, मैं उसका ट्यूटोरियल अलग से लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। आपको यूज करने के लिए नहीं आता है, ठीक है भाई। तो दोस्तों आपको मैं एक प्रीसेट दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसको कॉपी सेटिंग कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उस प्रीसेट को आप डाउनलोड करके कॉपी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसको कॉपी करने के बाद आपको जो फोटो पर आपको एडिट करना है, ठीक है दोस्तों, एडिट करना है तो उस फोटो पर आपको वो पेस्ट कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गौर से देख लीजिए, पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए किस टाइप का फोटो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आप सभी को सबसे आसान तरीका से ही बताने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी को मुश्किल ना हो फोटो एडिट करने में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको थोड़ा वगैरह आपको कलर आपका परफेक्ट आ गया है तो दोस्तों आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कलर आपका परफेक्ट नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कलर का ऑप्शन पर इस पर क्लिक कीजिएगा और मिक्स टूल पर आपको चले जाना है, ठीक है दोस्तों। मिक्स टूल पर जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, इसको इस टाइप से इसे कम कर देना है। मैं थोड़ा वगैरह एडिट कर लेता हूँ, मेरा परफेक्टली नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसको इस टाइप से कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसको इस टाइप से कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पर हाउनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है दोस्तों। हाउनेस को बढ़ा देना है, सिग्नेचर कम रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका कलर यानी कि हाउनेस को जीरो कर देना है, ठीक है दोस्तों। जीरो करने के बाद इसको यहाँ से इस टाइप से कर देना है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, बी4 वाला देख लीजिए किस टाइप का है और अपटर वाला देख लीजिए किस टाइप का है, ठीक है दोस्तों। इस फोटो को आपको शेयर करके, ठीक है दोस्तों, शेयर करके आपको लेकर चला जाना है, ठीक है दोस्तों, ऑटो स्केच बुक में, ठीक है दोस्तों, फेस स्मूथ का, ठीक है दोस्तों। इस फोटो को फेस स्मूथ करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारा कलर हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस फोटो को फेस स्मूथ करना है ऑटो स्केच बुक में, ठीक है दोस्तों। इस फोटो को शेयर करके लेकर चला जाना है ऑटो स्केच बुक में, सारा ऐप का ऑटो स्केच में यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फोटो ऐड करने का बाद आपको यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन मिला है। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका शुरू पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, वन नंबर, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है 13 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, एक टूल मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर स्मूथ का। ठीक है दोस्तों, स्मूथ का टूल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इस टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से गौर से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग का डन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस सिलेक्शन पर आपको ऐड रख लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको 3 रख लेना है। साइज वगैरह आप जितना मर्जी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 रख दिया, आप जितना मर्जी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको से फेस स्मूथ करने के लिए नहीं आता है तो भाई लोग कमेंट कीजिए, मैं जल्द से उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जल्द से उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा। भाई लोग आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से उसका ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा भाई लोग, किस तरह से ऑटोबुक से स्मूथ करता है फेस, बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। भाई लोग आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, क्या कर रहे हो भाई, आप जल्द से कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्द से कमेंट कीजिए, मैं सारा उसका ट्यूटोरियल जल्द से लेकर आ जाऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ये मैं लेकर आऊँगा। भाई लोग आप सब जल्द से कमेंट कीजिए, मैं उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा जल्द से। भाई लोग आप सिर्फ कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से फेस स्मूथ होता है। ठीक है दोस्तों, ऑटोबुक स्कोच बुक में। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही आपको नहीं आता है तो भाई लोग आप जल्द से कमेंट कीजिए, मैं उसका ट्यूटोरियल आपको लेकर आऊँगा दोस्तों। आप लोग देख करके आप सीख जाइएगा। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं जल्द से उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए। भाई लोग आप लोग का कमेंट ही मुझे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो दोस्तों मुझे वीडियो बनाने का हिम्मत भी मिलता है। ठीक है भाई लोग, हिम्मत भी मिलता है आपको यूज करने के लिए। ज़रा सा भी ऑटोबुक स्कोच नहीं आता है तो भाई लोग आप सिर्फ भाई को अपना कमेंट कर दीजिए। भाई लोग आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं सारा कुछ का ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा। भाई लोग आपको बहुत ही अच्छे तरह से मैं बताऊँगा भाई लोग कि किस तरह से ऑटोबुक उसको से फेस स्मूथ करता है। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैं बता दूंगा भाई लोग, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए। भाई लोग कमेंट ही कीजिए, झाड़ के भाई लोग दबा के कीजिए कमेंट, मैं उसका ट्यूटोरियल जल्द से लेकर आ जाऊंगा। भाई लोग आप लोग सीख जाइएगा बहुत ही आसान तरीका से। भाई लोग मैं बताऊँगा सबसे आसान तरीका। भाई लोग आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो भाई लोग आप सिर्फ अपना भाई को कमेंट कीजिए, उसका मैं ट्यूटोरियल जल्द से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई लोग, उसका ट्यूटोरियल मैं लेकर आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा भाई। आप सिर्फ अपना भाई को कमेंट कीजिए। भाई लोग आप सिर्फ अपना भाई को कमेंट कीजिएगा, आपका भाई वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, हाजिर हो जाएगा आपका भाई वीडियो लेकर। तो भाई लोग आप क्या कर रहे हो, जल्द से कमेंट करो। ठीक है भाई लोग, आप सब कमेंट कीजिएगा, मुझे वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। ठीक है भाई लोग, तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो भाई लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारा भाई पैसा दे करके फोटो एडिट करवाता है। ठीक है भाई, आपका एक शेयर कीजिएगा तो भाई लोग वो भाई का पैसा बच जाएगा। ठीक है भाई, पैसा बच जाएगा। मैं सबसे आसान तरीका से बताऊँगा भाई लोग, आप सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। बहुत सारा भाई पैसा बहुत सारा खर्च करता है एक फ़ोटो का। भाई आप लोग सीख जाइएगा अपने से फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए। तो भाई लोग आप जब मर्जी तब कीजिएगा अपना फ़ोटो को एडिट, जब टाइम मिलेगा तब कीजिएगा। भाई लोग आप फ़ोटो एडिट करने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है भाई लोग, आपका जब मर्जी तब आप कर सकते हैं, आप एडिट सीख जाइएगा। तो भाई लोग आपको मैं सबसे आसान तरीका से बताऊँगा किस तरह से आप एडिटिंग सीख सकते हैं। ठीक है भाई लोग, किस तरह से आप लोग एडिट सीख सकते हैं। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए, इसका ट्यूटोरियल जल्द से लेकर आ जाऊंगा दो तीन दिन बाद। ठीक है दोस्तों, आप लोग सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए। भाई लोग आप कमेंट कीजिए, आपका भाई वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ आप कमेंट कीजिए। भाई लोग आप जब एडिट करने के लिए सीख जाइएगा तो भाई लोग आप भी
पैसा कमा सकते हैं। ठीक है भाई लोग, आप बोलिएगा किस तरह से। भाई लोग आप भी किसी कोई कोई भाई को आप फोटो एडिट करके दीजिएगा तो भाई लोग आपको पैसा देगा। ठीक है भाई लोग, एक फ़ोटो का 50 रुपया लेता है भाई लोग, $50 लेता है। ठीक है भाई लोग, आप सब सिर्फ कमेंट कीजिए भाई लोग, मैं सबसे आसान तरीका से सिखा दूंगा भाई लोग, आप एक अच्छा एडिटर बन जाइएगा। ठीक है भाई लोग, आप एक इसमें फटाफट से कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर करने का बाद इस फोटो को आपको शेयर करके लेकर चला जाना है। ठीक है दोस्तों, शेयर करके लेकर चला जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ठीक है दोस्तों, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। सारा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ भाई लोग, आप सभी का, आप सभी प्यार का वजह से आप सभी का एक सारा सॉफ्टवेयर दे दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस वीडियो देखने के बाद भाई लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई लोग, आपको सारा लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम वर्जन में आपको दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम वर्जन पर आपको दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को प्रीमियम वर्जन पे दिया हूँ भाई लोग, आप वहाँ पर प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा तो भाई लोग वहाँ पर आपको नहीं ये मिलेगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। ठीक है भाई लोग, आपको प्रीमियम वर्जन पर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई लोग, मेरा लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ोटो ऐड करने का बाद, ठीक है भाई लोग, फ़ोटो ऐड करने का बाद यहाँ पर आपको दो, सबसे पहले आपको वीटी पर जाना है। ठीक है दोस्तों, वीटी का ऑप्शन पर आपको चला जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यूज करने के लिए नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं उसका भी ट्यूटोरियल, एक एक का ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा भाई लोग। आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए, आप सिर्फ कमेंट एक कीजिए, मैं उसका भी ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊंगा। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, आपको लेंस लगाना के लिए नहीं आता है, आग में लेंस लगाने के लिए नहीं आता है तो भाई लोग आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए भाई लोग, मैं उसका ट्यूटोरियल भी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए, आंखों में लेंस लगाने के लिए आपको नहीं आता है तो भाई आप सिर्फ मुझे एक कमेंट कर दीजिए भाई लोग। ठीक है भाई लोग, आप एक कमेंट कर दीजिए, आपका भाई उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, आपका भाई उसका ट्यूटोरियल लेकर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप सिर्फ कमेंट कीजिए अपना भाई को, आपका भाई हाजिर हो जाएगा वीडियो लेकर। ठीक है दोस्तों, आप मैं ट्यूटोरियल लेकर आ जाऊँगा, सिर्फ आप मुझे कमेंट कीजिए भाई लोग। ठीक है भाई लोग, आप सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस लेंस लगाने के बाद दोस्तों आपको 2-3 वगैरह PNG डाउनलोड यानी कि PNG ऐड करना है। ठीक है भाई, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2 PNG ऐड कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इस एप्पल का PNG का यहाँ पर आपको इस तरह से छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से छोटा करके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इस लाइट PNG पर क्लिक करके आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर स्क्रीन कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन करने के बाद इसको इस तरह से बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको बड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बड़ा करके लगा देना है और डन पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, डन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको 2 PNG ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ 2 PNG को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक रोज का ऐड कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, एक फेक लव का। ठीक है दोस्तों, आपको रोज को किस तरह से सेट करना है। ठीक है दोस्तों, रोज को आपको किस तरह से सेट करना है। ठीक है दोस्तों, इसको ये थोड़ा छोटा कर देना है। ठीक है दोस्तों, छोटा कर देने के बाद इसको डबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, डबल करने के बाद आपको इसको इस तरह से रख देना है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से रख देना है। ठीक है दोस्तों, इसको छोटा कर देना है। ठीक है दोस्तों, छोटा करने के बाद इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर इरेज का ऑप्शन मिल रहा है। इरेज का ऑप्शन पर इस तरह से आपको इरेज कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इरेज कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इरेज करने का बाद, ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से बड़ा करके इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसको करने के बाद इसको भी इस तरह से आपको यहाँ पर इरेज का बटन से दबा करके इसको भी इरेज कर देना, इस तरह से हटा देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको हटा देना है। ठीक है भाई लोग, इस तरह से आपको सिर्फ डंट ही रखना है। ठीक है भाई लोग,
आपको सिर्फ डन ठीक रखना है। ठीक है भाई लोग, यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ से रख देता हूँ। ठीक है भाई लोग, यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लगेगा कि ये PNG यानी कि दोस्तों रोज को पकड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से लगाने का बाद थोड़ा मेरा यहाँ पर हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लगाने का बाद ठीक है दोस्तों, आपको फेक लव का इसका भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा PNG का। ठीक है दोस्तों, इसको ब्लेंडिंग पर जाके स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ब्लेंडिंग पर जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन पर डन कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डन कर देना और भी एक PNG आपको ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ठीक है दोस्तों, ये PNG आपको ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से आपको यहाँ पर छोटा करके इस तरह से ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डन कर देना है। ठीक है दोस्तों, डन करने के बाद यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन पर जाना है। ठीक है दोस्तों, ड्रॉ का ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से मर्ज करके आपको सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी सो मच दोस्तों। आप सब ऐसे ही प्यार बना के रखिए दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, नीचे कमेंट पर कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं सारा ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ अगले फोटो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।